दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी काजल सोम वेलकमिंग यू हियर. सो आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट, क्रिस्प एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग, क्योंकि गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड सनस्क्रीन के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्पेशली हम इंडियंस में. इंडिया में सनस्क्रीन को लेकर कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा इन लोगों ने कभी अप्लाई नहीं किया है. तो वही जो कन्फ्यूजन है उसको सॉल्व करने वाली हूँ मैं आज. अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो आपको क्यों वो यूज़ करना चाहिए, कैसे सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, प्लस क्या गलती आप कर रहे हो कि आपका सनस्क्रीन आपके फेस पे इफेक्ट नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ इन दिस वीडियो. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड अगर कुछ पॉइंट्स समझ आए या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो आपके पास कि नहीं यार ये भी चीज़ ऐड होनी चाहिए, उसे कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला पॉइंट जो है वो है चॉइस ऑफ सनस्क्रीन, कि आपको कौन सा सनस्क्रीन चूज करना चाहिए. तो पहली चीज़ आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बाहर का वेदर क्या है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट दैट, स्किन की अगर हम बात करें, कुछ लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ऑयली होती है, कुछ लोगों की ड्राई होती है, तो उस हिसाब से भी आपको अलग अलग टाइप के सनस्क्रीन मिलते हैं. जैसे अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके पास कुछ मैटिफाइंग सनस्क्रीन के ऑप्शन होते हैं, या आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़े से मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उसमें जा सकते हो. मैं आज आपको एक ऐसे सनस्क्रीन के बारे में बता रही हूँ जो हर टाइप की स्किन पर काम करता है, क्योंकि ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है. सो इंट्रोड्यूसिंग यू टू मामा अर्थ हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन विद एलोवेरा एंड रेस्पबेरी. सो इसमें मेंशन है दैट इट इज इंडियन सनस्क्रीन. व्हाई इट्स मेंशन, बिकॉज ये इंडियन स्किन टाइप के लिए बना है, इंडियन वेदर के लिए बना है. हमारा वेदर ऐसा है कि हॉट है, ह्यूमिड है, एट द सेम टाइम पसीने भी आते हैं, तो ऐसे टाइप पे आपको स्किन पे कुछ ऐसा चाहिए जेल जैसी फॉर्म में, जो जेल की तरह फटाफट से अप्लाई हो जाए, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए एंड एट द सेम टाइम आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे. मामा अर्थ की अगर हम बात करें, मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है. सारे ही प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड आर ऑल नेचुरल. प्लस बहुत इजीली अवेलेबल है, आप नायका, अमेजोन, पर्पल, मामा अर्थ की वेबसाइट, मतलब आपको फ्लिपकार्ट वगैरह हर कहीं पे मिल जाते हैं. एंड नाउ डेज अगर आप किसी स्टोर में भी जाते हो ना, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, केमिस्ट की शॉप हो, आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट बहुत ईजिली मिल जाते हैं. मैंने खुद ये सनस्क्रीन एक ऐसे ही स्टोर से खरीदा था एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मामा अर्थ यहाँ पे भी मिल जाएगा. एंड ये बहुत बेस्ट पार्ट है कि प्रोडक्ट्स हर जगह आपको मिल जाते हैं. इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, इसमें है एलोवेरा, रेस्पबेरी एंड ग्लिसरिन. सो एलोवेरा एक हाउस होल्ड नेम है, हम सबको पता है बचपन से कि अगर स्किन पे कोई भी दिक्कत है तो एलोवेरा लगा लो, उससे ठीक हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. सो ये भी सिमिलर वर्क करता है. देन जो रेस्पबेरी है, इट इज़ रिच इन वाइटामिन सी, एंड वाइटामिन सी एंड योर स्किन आर अ रियली गुड फ्रेंड. सो एक और ऐसा इंग्रेडिएंट दैट इज़ रियली गुड फॉर यू. देन वी हैव ग्लिसरिन. ग्लिसरिन जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसकी जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है. सो ओवरऑल ग्लिसरिन इमीडिएट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड ड्राइनेस को काफ़ी लंबे टाइम तक आपसे दूर रखता है. सो तीनों ही इंग्रेडिएंट बहुत पावरफुल है. प्लस अगर हम इसकी सन प्रोटेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो ये SPF 50 है प्लस PA++++ है. सो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट में देखना चाहिए कि उसका SPF 50 क्या है. ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब हम सनस्क्रीन चूज़ करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है सनस्क्रीन तो सनस्क्रीन है, तो SPF 30 ले लिया, 25 ले लिया. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिनका SPF कम होता है और हम उसे परचेज कर लेते हैं. बट हमें देखना है, जितनी गंदी धूप आजकल रहती है उसमें SPF 50 एंड PA++++ होना बहुत ज़रूरी है. सो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है व्हेन यू आर बाइंग योर सनस्क्रीन. बात करते हैं टेक्सचर की, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा क्विक एब्जॉर्बिंग है, ठीक है. एंड SPF 50 है जो UV डैमेज से हमें प्रोटेक्ट करता ही है. जब आप इसको प्रॉपरली अप्लाई करते हो ये इजीली स्किन में चला जाता है एंड कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता. मेन प्रॉब्लम व्हाई पीपल डोंट यूज़ सनस्क्रीन ये भी है कि सबको ना वाइटिश वाइटिश दिखता था. आई रिमेम्बर कुछ साल पहले जब मैं भी अपने कॉलेज टाइम में सनस्क्रीन लगाती थी ना, तो सब लोग मुझे बोलते थे फेस पाउडर लगाया हुआ है क्या वाइट कलर का एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि वो सनस्क्रीन हमेशा एक वाइट कास्ट छोड़ देता था. बट नाउ अ डेज सनस्क्रीन में वो चीज़ नहीं है. एज यू कैन सी इसमें कोई भी वाइट कास्ट नहीं है, जिससे ये बहुत ईजिली आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आप मेकअप भी आराम से कर सकते हो. ओवरऑल इस सनस्क्रीन के अगर की पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो पहली चीज़ ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है.
प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट यूवीए एंड यूवीबी रेज, एंड देन ये प्रोवाइड करता है आपको हाइड्रेशन भी, तो आपकी स्किन बार बार जो है वो ड्राई नहीं हो जाती आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन. सो दीज आर द की पॉइंट फॉर दिस. नाउ अगर आप इस सनस्क्रीन को या और भी कोई मामा अर्थ के प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो यू कैन चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, सबको चाहिए होता है, सो यू कैन गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ बाई यूजिंग माई कोड. तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूज करो एंड यू कैन बाई योर सनस्क्रीन. Also, Mamaearth has now their official app where users get early access to sales and can get extra discounts. So don't forget to download the app. Link is in the description below. Now, after the choice of sunscreen, let's talk about quantity of sunscreen. So, सनस्क्रीन की जो क्वांटिटी होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मैं अगर अपने घर की बात करूँ ना, तो मैं उनको जब बोलती हूँ ना सनस्क्रीन लगाने को, वो एक या दो ड्रॉप लेके या बिल्कुल छोटे से पी साइज लेके लगा लेते हैं, बट उससे सन प्रोटेक्शन नहीं होता. डर्मेटोलॉजिस्ट की अगर हम माने तो सनस्क्रीन अगर आपको लगाना है तो इट शुड बी एटलीस्ट इन क्वांटिटी कि जिसको आप मेजर करते हो कि आपकी दो उंगलियाँ तो पूरी भरी होनी चाहिए, एंड दिस मच सनस्क्रीन यू नीड बिफोर गोइंग आउट. सो अगर आपको लग रहा है कि यार ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा या ये बहुत ज़्यादा है, सो लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ सन कि यार सन कितना ज़्यादा सर पे रहता है, कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है. तो आपको अच्छी क्वांटिटी में सनस्क्रीन लगाना चाहिए. प्लस ये 2 मिनट में स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है और एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन लेयर बनाता है. सो प्लीज़ मेक इट अ हैबिट दैट यू आर यूजिंग योर सनस्क्रीन प्रॉपरली, क्योंकि आपका स्किन केयर, आपका मेकअप सब कुछ वेस्ट है जब तक आप सनस्क्रीन प्रॉपरली नहीं लगा रहे हो. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. आप लोगों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, स्किन में नहीं जाएगा, बट नहीं, वो स्किन में चला जाता है, ऐसे प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाता है, एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन लेयर बना देता है, एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू गो आउट. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमिंग ऑफ सनस्क्रीन. वेन वी टॉक अबाउट टाइमिंग ऑफ सनस्क्रीन, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप बाहर प्रॉपर सन एक्सपोजर में जा रहे हो उससे 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है. अगर आप इमिडिएटली सनस्क्रीन लगा के निकल रहे हो या गाड़ी में बैठ के सनस्क्रीन लगा रहे हो तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता. सो मेक इट अ हैबिट कि आप 15-20 मिनट पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लो बिफोर गोइंग आउट इफ़ यू वॉन्ट योर सनस्क्रीन टू वर्क फॉर यू. फोर्थ एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से आपका सनस्क्रीन आपके फेस पे काम नहीं कर रहा है इज रीएप्लीकेशन. क्या होता है, जैसे मैं अभी पूरा प्रॉपर सनस्क्रीन लगा के बाहर जा रही हूँ, बाहर जाते ही आपको स्वेटिंग होती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सनस्क्रीन भी उसके साथ उतर जाता है. प्लस 2 या 3 घंटे बाद, मैं 2 घंटे ही लेके चलूँगी, 2 घंटे बाद आपका सनस्क्रीन इफेक्टिव नहीं रहता है. तो रीएप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन आफ्टर 2 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स में रहते हो, आपका शेड्यूल ही ऐसा है कि आपको आउटडोर रहना पड़ता है 4-5 घंटे के लिए, तो आपको मिनिमम 2 से 3 बार सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है. इट विल हार्डली टेक सम टाइम. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट यू शुड डेफिनेटली फॉलो अगर आप चाहते हो आपका सनस्क्रीन आपके लिए काम करे. एंड विद दैट इट्स अ रैप ऑन टुडेज वीडियो. आई होप ये सनस्क्रीन रिलेटेड फटाफट से चिटचैट जो है आपको पसंद आई होगी. इफ़ यू विश टू बाय दिस सनस्क्रीन, लिंक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन यूज माय कोड फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.